जन्माष्टमी के अवसर पर पूजा की सामग्री की दुकानों पर बिक्री न हो पाने के कारण थोक और फुटकर दुकानदारों में काफी मायूसी देखने को मिली, जिस पर दुकानदार ने बताया कि पिछले वर्ष एक हफ्ते पहले से ही दुकान लग जाती थी और भगवान कृष्ण एवं उनकी पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बिकती थी, जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। इस साल कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगने के कारण पहले दिन दुकान खुली है और लॉकडाउन का पूरे असर दुकानदारी पर पड़ रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दुकानदार तिरुपति नाथ गुप्ता ने कहा, हाँ पका सर, 26 नंबर ये कपड़ा जी के सर, छोटे बड़े छोटे से, अब ये भी दे दीजिए, आप पकड़ जाएंगे ना। ये झूला के नीचे रखा जाता है, भगवान के पैर वहीं पहनाया जाता है। ये दोनों उधर बाबा जी कान में करते थे। भगवान जी में कौन सा कम बेसी करना रहता है, हमेशा उन्हीं से जो संभालना रहता है। नारियल भी रखे होंगे, मेरा नाम तिरुपति नाथ गुप्ता है। आज पहला दिन दुकान खुला हुआ है, अभी तो दुकानें सब सेट कर रहे हैं, एक दिन तो दुकान ही सब सेट किया जा रहा है, सब माल लगा रहे हैं, अभी कस्टमर भी आ रहे हैं, धीरे भीड़ लगी हुई है मार्केट में पूरा। पिछले साल की तुलना में इस साल में क्या अंतर आया? बहुत अंतर आया इस बार, बहुत व्यापार पर प्रभावित हुआ। हम लोग एक सप्ताह पहले से भी दुकान लगाते थे, आज सिर्फ एक दिन दुकान लगाने का हमको मौका मिला है, जैसे ही चल रहा है बस। आज पहले एक दिन में कितनी काम हो जाएगा हम लोग का, व्यापार पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है हम लोग के।